हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डिग्री इन अ क्लॉक के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किए थे इन डिटेल, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रॉब्लम प्रैक्टिस पर, यानी उस पे बेस्ड जितना भी घड़ी पे बेस्ड, वॉच पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चंस आ सकता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, यह है केसी सिन्हा बुक में आप जाइएगा तो उसके टाइप वन और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन सर्कुलर मेजर एट ए 4 o'clock, यानी 4 बजे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का क्या कोण है, उस चीज़ को आप फाइंडिंग कीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक वॉच बनाते हैं, एक वॉच बना लिए, ये हो गया 12 और ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 9। इसी प्रकार यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, ये लिख सकते हैं 2, ये लिख सकते हैं 4 और ये लिख सकते हैं 5, ये है 7, ये है 8 और ये है 10 और ये है 11, ये हो गया पॉइंट्स। अब आपको कह रहा है कि 4 बजे, अगर इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो आपको कह रहा है कि 4 बजे मिनट हैंड, तो हम क्या करते हैं, मिनट हैंड को कहाँ रखना होगा, 4 बजे, तो आवर का जो है इधर सुई रखना होगा, इसको मान लेते हैं हम आवर हैंड, मोटा करके बना देते हैं आवर हैंड, ठीक है। और एक मिनट हैंड 4 बजे एग्जैक्टली जो होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ये आपका हो गया मिनट हैंड। तो एग्जैक्टली तो ये जो एंगल है इसको हमको फाइंड करना है कितना एंगल होगा। तो हम आपको बताए थे कि जब कंप्लीट एंगल हो, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान से इसको फाइंड इन करना। तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि एक सेक्टर पर अगर एंगल देखा जाए तो वो कितना बनाता है, ये 30 डिग्री बनाता है। उसी प्रकार ये एंगल देखा जाए तो ये कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। उसी प्रकार ये एंगल देखा जाए तो ये कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। और उसी प्रकार ये देखा जाए तो ये सेक्टर भी क्या, 30 डिग्री बनाएगा। तो इस तरीके से अगर हम 4 बजे देखें, मिनट और आवर हैंड के बीच का कोण 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 को सर। तो इसीलिए हम ये लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड विल बी क्या हो जाएगा आपको, 30 प्लस 6, 4 सेक्टर बनना है 4 बजने में, 30 प्लस 30, तो ये हो गया 120 डिग्री। आपका डिग्री में अगर आंसर देखेंगे तो 120, लेकिन आपका केसी सिन्हा में आंसर जो दिया है वो रेडियन के फॉर्म में दिया है। रेडियन का क्लास हम लोग नहीं किए क्योंकि अगला क्लास आपका रेडियन ही स्टार्ट होगा, रेडियन सिस्टम पर या सर्कुलर सिस्टम पर। तो फिर भी हम इतना सीख लें, अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 120 को पाई बाय 180 से गुणा कर दिए, ये बचपन में भी आप पढ़ाए होंगे क्लास 10th वगैरह। तो अगर ये 0 0 को कैंसिल कीजिएगा तो 3 का पारा लगेगा, 3 × 12 और 3 × 6 = 18, यानी 4π/6। यानी अगर रेडियन में बात किया जाए तो आवर और मिनट हैंड के बीच 4 बजे कौन सा कोण बनाएगा, 4π/6। अगर डिग्री में किया जाए क्या होगा, 120 डिग्री। इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिए कि 4 बजे एग्जैक्ट हो, 5 बजे एग्जैक्ट हो, 10 बजे एग्जैक्ट हो, 12 बजे एग्जैक्ट हो, कौन क्या बनेगा वो हम लोग देख लिए। लेकिन अगर हमको ऐसा दे दे क्वेश्चंस कि 4:25, 1:20, 2:22 पे तब कैसा कौन होगा, कैसे बनेगा, उस तरह के क्वेश्चंस को, उसको भी हम लोग टेक्निक के साथ साथ देखेंगे। चलिए फिर हम लोग आगे की लेक्चर। अब दूसरा तरह का क्वेश्चंस आपको क्या मिलेगा कि अगर हमको पार्टिकुलर टाइम दे दिया कि 1:00, मतलब आपको
आवर और मिनट हैंड के बीच का एंगल निकालना है। तो आवर हैंड और वो किस कै बजे, एट 1:20, यानी अगर 20 पर बात किया जाए तो 20 मिनट के लिए कवर करने के लिए मिनट की अगर सुई की बात करेंगे तो 5:10 और 15:05 यानी ये 4 पर होगा। क्लियर है? देखिए अभी कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर करना चाहते हैं। देखिए कितना अच्छा से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, गौर से सुनिएगा। ठीक है, चलिए ये 4 पर हो गया 20 मिनट होने के लिए। उसके बाद इसको 1:20 है तो इसका मतलब है 1 बजे ये नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली 1 बजे होगा तो ये कहाँ होना चाहिए, 12 पर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जैसे ही मिनट की सुई 4 पे आया होगा तो हमारा ये जो सुई है आवर हैंड की सुई कुछ ना कुछ 1 से इधर आया होगा, यानी ऐसे पोजीशन पे होगा, ऐसे पोजीशन पे होगा। ठीक है, आवर हैंड पे ऐसा होगा। अब बात रहा है कि हमको यहाँ पे सेक्टर कितना बन रहा है, अगर ये एंगल हमको निकालना है तो यहाँ सेक्टर कितना बना है, 1 सेक्टर ये बन रहा है, 1 सेक्टर ये, 2 सेक्टर तो हमको कन्फर्म मिल गया, 30 डिग्री 30 डिग्री। अब बात रहा कि ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, ये चीज़ का हम पता करेंगे। तो ये अगर एक्स मान लेते, इस एंगल को अगर हम पता कर लेते, अब इस एंगल को पता करने के लिए सबसे अच्छा है कि ये कितना मूव किया होगा, अगर वो पता कर लें और 30 में उसको माइनस कर देंगे तो हमको ये एग्जैक्टली एंगल पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक के बीच का क्या एंगल। जब यह पता चल गया तो इसमें और इसमें जोड़ देंगे तो हमको क्या होगा, टोटल मिनट और आवर हैंड के बीच का एंगल पता चल जाएगा। अब यह बात बताइए कि अगर हम एक लॉजिक आपको हम बता रहे हैं कि अगर मिनट और आवर हैंड की बात करें, अगर 30 मिनट यानी यह सुई अगर यहां होता 30 मिनट पर होता है तो ये वाला एंगल क्या होता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इसका होता है, यानी ये 30 मिनट किया तो यहाँ कितना हो गया एंगल, क्या 15 बनाया। अगर ये टोटल 60 बनाएगा तो ये एंगल कितना बनाएगा, मतलब ये मिनट की सुई अगर यहाँ से टोटल कंप्लीट करता है और 12 पे आता है तो ये वाला आवर की सुई 12 से कहाँ जाएगा, 1 का आएगा। क्लियर हो रहा है? और 1 से अगर 2 पर आवर हैंड जाता है, यानी 30 डिग्री का एंगल अगर आवर हैंड बनाता है तो मिनट की सुई क्या क्या होगा, वो 12 से लेकर के कहाँ होगा, वहाँ से रोटेट कर लिया होगा, एक कंप्लीट, मतलब 30 डिग्री बनाने के लिए उसको कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री को अगर आवर हैंड 30 डिग्री मूवमेंट कर रहा है तो वो कितना बना रहा है, 60 मिनट। मतलब कहीं ना कहीं जो मिनट ट्रेवल कर रहा है उसका कहीं ना कहीं हाफ ऑफ द डिग्री वो मूव करता है यहाँ से यहाँ। क्लियर? कैसे, फिर से एक आप क्लियर कर देते हैं, 12 से अगर हमको मिनट की हैंड 30 मिनट पर जाता है तो आवर का हैंड इसके हाफ हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना मूव करेगा, 15 डिग्री, यानी 30 का हाफ क्या। अगर उसी तरीके से अगर 60 का होता तो ये कितना बनाता, ये मूवमेंट क्या हो जाता उसका, आवर हैंड का 30 डिग्री हो जाता। उसी तरीके से अगर 20 होता था तो यहाँ से उसका जो मूवमेंट होता ओरिजिनल सुई से तो वो कितना हो जाता, 10। मतलब हमेशा मिनट के हाफ ही उसका क्या बनाता, एंगल बनाता। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो यहाँ सेक्टर कितना बना रहा है, 30 और 30, एक एंगल तो हमको बन गया कि 30 डिग्री और दूसरा एंगल बन गया 30। अब हम ये मूवमेंट कितना किया उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 डिग्री का हाफ कितना हो गया, 10 डिग्री। ये 10 डिग्री यहाँ से यहाँ है लेकिन हमको ये पता नहीं करना, ये एंगल नहीं पता करना, हमको क्या पता करना, ये एंगल पता करना। तो इसका मतलब है हमको क्या करना होगा, 30 में 10 डिग्री माइनस करके इस सेक्टर और इस सेक्टर को जोड़ना होगा। तो ओवरऑल जाइएगा तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 में से 10 चला जाएगा तो बचा 20, यानी ओवरऑल एंगल अगर पता करेंगे तो 30 30 60 20 80, यानी हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको, 1:20 पर कितना एंगल बनाएगा आवर और मिनट हैंड के बीच, 80 डिग्री। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी 25 में होने के लिए 5:10 15:05 20 5 पे होगा ये मिनट की सुई, और 2 बजे तो एग्जैक्टली 2 बजे पे नहीं होगा क्योंकि 2 बजे होता तो ये सुई कहाँ होता, 12 होता, तो इसीलिए ये थोड़ा सा मूव करेगा। ठीक है, यानी हाफ से थोड़ा कम रहेगा क्योंकि अगर यहाँ पे 6 पे होता तो ये एग्जैक्टली किस पे होता, इस बीच के हाफ में होता। तो इस कोण, इसके बीच के अगर मिनट
एग्जैक्ट मिनट और आवर हैंड के बीच का एंगल निकालना है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम सेक्टर पता करेंगे, एक सेक्टर हो गया ये, दूसरा सेक्टर ये हो गया, दो सेक्टर तो हमको पता चल गया 30 डिग्री और 30 डिग्री। अब हमको ये कितना मूव किया है उसको पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, 25/2 करना, यानी 12.5 डिग्री हो गया। तो 12.5 डिग्री तो ये है, लेकिन हमको पता करना ये टोटल कितना 30 है, 30 में से ये माइनस करेंगे तो हमको ये मूवमेंट पता चल जाएगा। तो यानी 30 में से 12.5 घटाएंगे, तो ये 30 30 60, और 12.5 अगर हम घटाते हैं तो आपको कितना आ जाएगा, 17.5 डिग्री हो जाएगा, और 60 10 70 यानी 77.5 डिग्री आपको आवर और मिनट हैंड के बीच का कोण हुआ, जब टाइम क्या बज रहा होगा, 2:25 हो रहा होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट, अगर हमारे पास टाइम दे दिया 1:35 में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का कोण निकालना है, तो आपको 35 पहले करना होगा, 35 का साइन करने के लिए 5 10 15 20 25 30 यानी 7 पर रखना होगा मिनट का सुई, और उसके 1:35 है, इसका मतलब है 1:35 1:30 में ये आधा पोजीशन होल्ड करता है, तो थोड़ा सा आधे से ज़्यादा होगा। तो अब हमको यहाँ सेक्टर पता करना है, एक सेक्टर ये पता चल गया और एक सेक्टर ये पता, यानी ओवरऑल सेक्टर की बात करें 1 2 3 4 और 5, तो 5 सेक्टर तो पता चल गया। 5 सेक्टर का एंगल अगर बात करें तो हमको थीटा जो होगा 5 × 30 डिग्री तो होगा ही। अब बता रहा है ये मूवमेंट कितना हुआ, यहाँ से ये कितना मूव किया, तो हमने क्या कहा कि जो मिनट होगा उसका हाफ जो है मूव करता है, तो यानी पहले पूरा एंगल क्या है 30 है, इसका हाफ यानी 35 का अगर हाफ कीजिएगा तो 17.5 डिग्री हो जाएगा, तो 17.5 डिग्री जो है आपका ये हो गया। तो 25 5 15 150 डिग्री, और 7.5 डिग्री को अगर हम माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 12.5 डिग्री, यानी इसको जोड़िएगा तो 150 और 10 160 162.5 डिग्री का कोण आपको मिलेगा मिनट और आवर हैंड, जब टाइम क्या हो रहा होगा 1:35 हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको टाइम का आप किसी तरह का भी क्वेश्चंस आए आपसे बन जाए, तो आप फिर इसको भी और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बार बार वीडियो को रिपीट करके सीखते जाइए कि टाइम से रिलेवेंट जब भी कोई क्वेश्चंस आए तो आपसे बन जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग टाइम्स यानी जो हमारा डिग्री इन ए क्लॉक का जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा जो है वो चलेगा रेडियन सिस्टम पर, हम लोग बात करेंगे फिर दोनों के बीच का रिलेशन बात करेंगे, तो लास्ट टाइम हम लोग ग्रेड सिस्टम पे बात करेंगे और पूरी क्वेश्चंस भी किसी सिन्हा के एक्सरसाइज का हम लोग कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह आगे के वीडियोस में। और एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, जैसे कोई बच्चा ऐसा है कि आप एग्जैक्टली इस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं कि 1:35 वाला क्वेश्चंस को ही वीडियो में देखना चाहते हैं, तो आपका डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम वाइज आपका पार्टिकुलर क्वेश्चंस का हेडिंग दिया हुआ है और वहाँ टाइमिंग लिखा हुआ है, उस टाइम पर जब आप क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली उसी क्वेश्चंस पे आप चले जाएंगे। जैसे कुछ बच्चे को है कि नहीं हमको ये वाला टाइम पर कन्फ्यूज़न है, 1:35 पर आवर और मिनट हैंड के बीच क्या कोण है उसको हमको पता करना, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे 1:35 पे ये आपका जो टाइम दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए हेडिंग को देखते हुए, तो आप एग्जैक्टली वीडियो में उस पोजीशन पे चला जाइएगा जहाँ उस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन किया गया है। चलिए फिर आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके बाय।